आज की इस वीडियो में हम इस नॉर्मल स्विच बोर्ड को रिमोट से कंट्रोल करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हम रिमोट के बटन दबाते हैं तो लाइटें हमारी ऑन हो जाती है और यहीं से हम ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप भी अपने घर के नॉर्मल स्विच बोर्ड को रिमोट से ऑन ऑफ़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। ये देखने वाले हैं कि आज इसके अंदर हमने कैसे इसकी वायरिंग की है और क्या कुछ हमने इसके अंदर ऐड किया है, यानी कि क्या कुछ हमने लगाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग करना और सीख लेते हैं हमने ये कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ये नॉर्मल स्विच बोर्ड लगा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर चार स्विच लगे हुए हैं, जिन चार स्विच के साथ हम ये चार लाइटें ऑन ऑफ करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही स्विच बोर्ड आपके घर में भी या फिर आपके रूम के अंदर लगा हुआ होगा। आपको इसकी वायरिंग के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है रिमोट कंट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए। मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको काम करना है, आपका ये जो स्विच बोर्ड है वो रिमोट कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विच बोर्ड है उसको आपने ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने ऑलरेडी जैसे कि आपको दिखाने के लिए इस तरह से वायरिंग की हुई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये हमने वायरिंग कर रखी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये जैसे कि देख सकते हैं, एक नंबर चलाया तो ये ऑन हो गया है, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, इस तरह से ये अभी काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी जो पीछे से सप्लाई है उसको ऑफ कर देते हैं ताकि हमें शॉक वगैरह करंट वगैरह ना लगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने पीछे से सप्लाई को बंद कर दिया है। आप भी इसी तरह से सप्लाई को बंद कर लेना है तभी आपको काम करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेड कलर की वायर आई हुई है, ये रेड कलर की वायर है। ये स्विच के एक एक टर्मिनल पे यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन बनी हुई है, एक सबसे पहले यहाँ पे आ गई, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, इस तरह से ये वायर आती है स्विच बोर्ड के अंदर। इससे क्या है, सभी के सभी स्विच के अंदर फेज सप्लाई पहुँच जाती है। और फ्रेंड, जो स्विच है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लाइट को चली जाती है, दूसरे वाले स्विच से भी दूसरे लाइट को चली जाती है, तीसरे वाले से भी तीसरी को, चौथे वाले को, चौथे वाले से। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स, जो फैन लगे होते हैं उसके साथ में भी ऐसे ही वायरिंग होती है स्विच के साथ में। ठीक है, एक टर्मिनल पे फेज आएगा और दूसरे टर्मिनल से वहां से फेज हमारे होल्डर या फिर फैन को चला जाता है। तो इसी तरह से आपके स्विच बोर्ड के अंदर भी वायरिंग मिलने वाली है। फ्रेंड्स, जो इनके अंदर न्यूट्रल गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर की वायर है वो डायरेक्ट इनके अंदर चला गया है। अगर आपके स्विच बोर्ड में कोई सॉकेट लगी हुई है तो सॉकेट के अंदर आपको न्यूट्रल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप न्यूट्रल को यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसको आप रिमोट कंट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वाला एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये हमने अमेजोन से ख़रीदा है, आप चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं, ये एक अच्छा डिवाइस है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं इसको कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ पजल होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे आप फॉलो करके कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी एक ये वायर है जो कि एंटीना का काम करेगी, और ये एक ब्लैक कलर की इस साइड में जो वायर है ब्लैक कलर की है, ये न्यूट्रल कॉमन के लिए है, और ये जो इसके साथ में एक ब्लैक कलर की है और एक रेड कलर की है, इसके अंदर हमें इस कंट्रोलर को सप्लाई देनी है फेज और न्यूट्रल। ब्लैक कलर के अंदर हमने न्यूट्रल देना है, रेड कलर के अंदर हमने फेज सप्लाई देनी है। तो तीन वायर हमने समझ ली है। अभी जो बारी आती है फ्रेंड्स, ये जो तीन चार वायर और बची हुई है इनसे हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, इनसे हम अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं बाय रिमोटली। तो इसके साथ में फ्रेंड्स एक ये रिमोट आता है, आप देख सकते हैं प्यारा सा कॉम्पैक्ट सा रिमोट है। ठीक है, छोटा सा। तो फ्रेंड्स, जो येलो, वाइट, ब्लू और रेड कलर की वायर है, इनको हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, इन्हीं के साथ हम हमारे जो लाइटें हैं उनको ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसके कनेक्शन करना। फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको एक सर्किट डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप डायरेक्टली ही कनेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको A1 से स्टार्ट करना है तो ये येलो वायर है, और उसके बाद में वाइट है, ब्लू है और ग्रीन वायर है, ये चार वायर आपको देखने को मिल जाती है। तो इन चारों वायर को हमने इस स्विच बोर्ड के अंदर लगाना है। तो फ्रेंड्स, जो हमें एक नंबर पे, मान लीजिए हमारा एक नंबर वाला ये स्विच है, तो इसके साथ में हमें ये येलो वायर कनेक्ट करनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये येलो वायर हमें कहाँ पर कनेक्ट करनी है। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो होल्डर है, एक नंबर मानते हैं हम इसको, इसकी जो वायर है, होल्डर से वायर आई है रेड कलर की, ये वाली। ठीक है, इस वायर को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है, और इसी के साथ में फ्रेंड्स हमने ये येलो कलर की वायर को इस तरह से ट्विस्ट कर देना है।
ट्विस्ट करने के बाद दोबारा से इसी के साथ में इसको कनेक्ट कर देना है। तो एक कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है, येलो कलर का जो है कनेक्शन है वो यहाँ पे हो गया है। अभी जो वाइट कलर की वायर है, ये वाइट कलर की वायर को हम क्या करेंगे, दूसरे होल्डर से जो वायर आई हुई है इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, और जो ये ब्लू कलर की वायर है फ्रेंड्स इसको हम तीसरे वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और ग्रीन वाली को हम फोर्थ वाले नंबर के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पहले नंबर पे येलो कलर की वायर थी उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इस होल्डर के इस वायर के साथ में ही, और जो वाइट कलर की दूसरे नंबर की वायर थी उसको हमने दूसरे होल्डर के ये रेड कलर की जो वायर आई हुई है स्विच के इस वायर टर्मिनल के इसके साथ में ही कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और तीसरे नंबर की जो वायर है उसको हमने तीसरे नंबर होल्डर के साथ में ये ब्लू कलर की वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और जो फोर्थ नंबर पे ग्रीन वायर है इसको फ्रेंड्स हम फोर्थ नंबर वाले होल्डर के जो रेड कलर की वायर आई हुई थी इस स्विच के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये चारों के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी बारी आती है फ्रेंड्स जो ये रेड और ब्लैक, इसके अंदर हमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देनी है, वो हम कहाँ से देंगे। तो फ्रेंड्स जो रेड कलर की वायर है उसको हम फ्रेंड्स जहाँ पे मेन सप्लाई आई हुई होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया था इसके अंदर सप्लाई आई हुई है, तो यहाँ से हम एक किसी भी एक पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे रेड कलर की वायर को, तो इस कंट्रोलर को यहाँ से फेज सप्लाई मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स ये रेड कलर की वायर को ही कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेड कलर की वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स न्यूट्रल की, तो ये इसके साथ में ही जो वायर है फ्रेंड्स उसके अंदर आपको न्यूट्रल सप्लाई देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसको हम यहाँ से ओपन करके इसके साथ में ही इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंट्रोलर का न्यूट्रल वाला वायर था उसको हमने न्यूट्रल के वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया है यहाँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन किया है, अगर आपके स्विच बोर्ड में कहीं पे भी न्यूट्रल सप्लाई हो, अगर आपके स्विच बोर्ड में सॉकेट लगी हुई है तो सॉकेट के अंदर एक न्यूट्रल का पॉइंट होता है, वहाँ पे भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बारी आती है फ्रेंड्स ये वाला जो एक वायर है फ्रेंड्स, ये वायर न्यूट्रल का है जो कि कॉमन हमें अप्लायंस को देना होता है, लेकिन फ्रेंड्स जो न्यूट्रल है अप्लायंस को ऑलरेडी यहाँ से गया हुआ है तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसको आगे हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्विस्ट करके इसके आगे यहाँ पे हम टेप लगा के छोड़ देंगे ताकि ये इधर उधर टच ना हो, जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वायर बच जाती है ये वाइट कलर की, ठीक है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई छीलना है, ना कोई टेप लगानी है, ना कहीं से कनेक्शन करना है। ये एक रिसीवर है फ्रेंड्स, एंटीना का काम करेगा, जैसे कि हम रिमोट दबाएंगे ना तो इसके थ्रू इसके अंदर नेटवर्क जाएगा और ये आगे का काम करेगा। तो फ्रेंड्स वायरिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अभी बारी है इसको टेस्ट करने की। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिस्टम को हमने अच्छे से सेटअप कर लिया है, यहाँ पे स्विच बोर्ड है, यहाँ पे कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर फ्रेंड्स आपके स्विच बोर्ड के पीछे का जो बक्सा होता है उसके अंदर आराम से फिट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से स्विच बोर्ड के अंदर पीछे की साइड में बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चारों लाइट यहाँ पे दी गई है, अभी हम इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या हमें स्विच के साथ में ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये स्विच के साथ में सभी के सभी काम कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं रिमोट के साथ में, तो फ्रेंड्स ये रिमोट है, रिमोट का A1 है, तो A1 जब दबाया हमने तो ये लाइट ऑन हो गई है। अगर हम B नंबर दबाते हैं तो B से ये ऑन हो जाती है, C दबाते हैं तो C से ये, और D से ये वाली लाइट ऑन हो जाती है, और इसी तरह से आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देख लिया, अगर आपको फ्रेंड्स चारों की चारों एक साथ में ऑन करनी है तो आपको ये वाला बटन दबा देना है, चारों की चारों लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपको ऑफ करनी है चारों लाइट तो इनसे आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी तीन लाइटें जल रही हैं तो आपको डायरेक्ट एकदम ऑफ करनी है तो ये ऑफ का बटन दबा देना है, तो सभी की सभी ऑफ हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप आसानी से एक रिमोट कंट्रोलर डिवाइस लगा के अपने नॉर्मल स्विच बोर्ड को एक रिमोट कंट्रोल वाला स्विच बोर्ड बना सकते हैं। इसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।